देखो 1 जून 2015 नू बुर जवाहर सिंह गुरद्वारा साहब तो बीड़ साहब की चोरी हुई सी। वो बेअदबी की सीरीज दे विच वो पहली घटना सी। जो तो 2015 दे विच बेअदबी दियां घटनावां शुरू हुई उहदे विच पहली घटना सी 1 जून 2015। उस तो बाद तुसी देखो बरगाड़ी दे विच ते होर कई थावां ते बेअदबी दियां घटनावां हुई। उस दे रोस स्वरूप कोट कपूरा ते बहबल कलां दे विच आम जनता ने संगत ने प्रोटेस्ट किया। ये सारियां नूं पता है कि दोवें थावां ते जिहड़ा प्रोटेस्ट सीगा वो शांतिपूर्वक सी, संगत वालों कोई भी इंस्टीगेशन नहीं सी। लेकिन दोवें थावां ते पहला कोट कपूरा दे विच ते बाद दे विच बहबल कलां दे विच पुलिस वालों फायरिंग की गई, बल का प्रयोग किया गया और जो लोग फट्टर होए, जख्मी होए जां जिन्होंने शहादत दी उन्होंने पूछण वाला कोई नहीं, परिवार को पूछण वाला कोई नहीं। 7 साल हो गए, देखो 7 साल हो गए, ठीक है। सानू जदों जिम्मेवारी मिली 2018 नवंबर महीने दे विच असी जांच शुरू की। जांच शुरू करन उपरांत 2019 दे विच पहली गिरफ्तारी जनवरी महीने दे विच, ते 3 महीनों के अंदर अंदर असी चलान दे दिता जी। उस तो बाद सप्लीमेंटरी चलान 1, 2, 3 दोवें घटनावां दे बारे जी। जदों फरीदकोट दी मानजोग जिला ते सैशन अदालत दे विच चार्ज फ्रेमिंग ते बहस शुरू होनी सी, वो नहीं करवाई गई अते मानजोग हाई कोर्ट दे विच सिविल लिटिगेशन पा के इस मसले नूं उलझाउण दी कोशिश की गई। देखो सरकार ने मानजोग हाई कोर्ट दे विच ए भी नहीं कहा जो उदों दी सरकार सीगी कि चलान टूकट हो गया है, इन्हां दे ऑब्जेक्शन ओवर रूल हो गए ने और इहदे उत्ते सुनवाई जरूरी है। देखो क्रिमिनल लॉ दा कोई भी एक सिस्टम हुंदा है, इस मुल्क दा एक संविधान है, जिहदे विच किसे नूं बरी करना है जां सज़ा करनी है तो गवाहां दा बयान लेना अदालत दे विच जरूरी हुंदा है। इत्थे कोई बयान नहीं होया, कुछ नहीं होया, सिर्फ सरकार ने आम जनता नूं गुमराह किया। तो जो 9 अप्रैल 2021 नूं जो कुछ भी होया मैं नौकरी तो इस्तीफा दे दिता सी। उस तो बाद सरकार ने 2 SITs का गठन किया। जो तो 2 SITs का गठन होया, एक बहबल कलां वास्ते तो एक कोट कपूरा वास्ते। तीजी SIT चल रही सी बरगाड़ी ते बुर जवाहर सिंह वाला दे विच जो बेअदबी की घटना हुई सी, जो पहला के CBI दे कोल सीगा, उहदे वास्ते तीजी सीट गठित की गई। लेकिन तुसी देखो ना तो बहबल कलां दे केस दे विच ना ही कोट कपूरा केस दे विच कोई भी किसे किस्म का प्रोग्रेस उन्हां वालों नहीं होया। सगों एक SIT दे मुखी ने मांग की मेरे वालों लिखती तौर पर कि तुसी दोगी बादल परिवार के खिलाफ, प्रकाश सिंह बादल अते सुखबीर बादल के खिलाफ एविडेंस की है। देखो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, फाइल उन्हां दे कोल है, असी जो इन्वेस्टिगेशन की सी वो सारा कुछ उन्हां दे कोल है। तो हुण उन्हां दी जिम्मेवारी है कि वो एविडेंस कट के लियाउन कि एविडेंस की है। और दूसरी जो SIT है वो कह रही है कि जो LK जादव वाली SIT है वो कोई चीज़ साढ़े नाल साझा नहीं कर दी, तो इस करके साड़ी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो ये भी देखो एक दूसरे ते ब्लेम गेम चल रहा है। तो 7 साल हो गए जी, 7 साल दे विच ये भी डिसाइड नहीं होया कि इन्हां केसां दी तफ्तीश कौन करेगा जी। ठीक है, मेरी इन्वेस्टिगेशन दे विच कोई गलती है तो वो जिला अदालत ट्रायल दे दौरान साबित करेगी कि इन्वेस्टिगेशन दे विच कमी है। वो उदो होगा जदों सारे गवाहां दा बयान, सरदार तरलोचन सिंह जी सबका चेयरपर्सन कट गिनती कमीशन, वो साढ़े गवाह, सबका जथेदार तख्त श्री पटना साहिब वो साढ़े गवाह, इस तरीके दे साढ़े गवाह ने, उन्हां गवाहां नूं तुसीं अदालत दे विच क्यों नहीं बुला रहे हो, डर क्यों रहे हो? मैं ये पूछना चाहुंदा हाँ, डर क्यों रहे हो? जदों वो गवाह आ जाणगे फिर सारा भेद खुल जाएगा। इस करके नहीं चाहते कि उन्होंने गवाहों का बयान हो जी, तो इन्होंने एक सीधा रास्ता अपनाया है जी, सिविल लिटिगेशन फाइल करो और सरकार दे नू ते सरकार दे जेड़े लोग ने उन्होंने
अपने वल करके तुसी कुछ रफा दफा करवा लो। मैं नहीं कहंदा फैसला होना चाहिए है, लेकिन सब तो पहला फैसला जिला ते सेशन अदालत फरीदकोट दे विच होना चाहिए है। उस तो बाद जिथे मर्जी अपील होवे, साड़ी तफ्तीश दे विच कोई खामी होवे, तो वो सारा कुछ उहदे विच आ जाएगा। लेकिन जदों तक गवाहां दा बयान नहीं हुंदा है, उदों तक संगत नूं गुमराह, आम जनता नूं गुमराह किया जाना बनता नहीं है जी। जो ये सारा कुछ हुंदा आ रहा है, तां ही मैं मानजोग चीफ मिनिस्टर साहब, जो साड़ी सरकार दे चीफ मिनिस्टर साहब ने दो चिट्ठियां लिख के, एक चिट्ठी 20 मार्च नूं लिखी सी, दूसरी चिट्ठी 19 मई नूं लिखी सी। चिट्ठी लिख के मैं जाणू करवाया इस करके कि उन्हां नूं पता लग जावे कि इन्हां केसां दा इंपोर्टेंस की है ते सच्चाई की है। इस करके मैं जाणू करवाया सी। ते एक केस होर भी मानजोग हाई कोर्ट दे विच चल रहा है, बहबल कलां वाला। तो मैं यही बेनती करूँगा कि जो भी सुनवाई है, ट्रायल है, ट्रायल होना चाहिए है जी, ट्रायल होना चाहिए है। तफ्तीश सही है गलत है, ये ट्रायल दे विच पता चलना है, जो गवाह अपनी गवाही देंगे अदालत दे विच। लेकिन ये गवाही तो डरते नहीं जी, जो गवाही जो शुरू हो जाएगी तो सारा भेद खुल जाना है। इस करके मेरी यही बेनती है कि राजनीति बंद होनी चाहिए है जी। 7 साल तो केवल राजनीति होंदी आई है, हुण राजनीति बंद होनी चाहिए है, और गवाहां दा बयान जिला ते सेशन अदालत दे विच होना चाहिए है। मैं अज मत्था टेकन वास्ते आया सी बरगाड़ी ते बुर जवाहर सिंह वाला, जिथे 7 साल पूरे होने तो बाद संगत वालों उत्थे अरदास की जाती है। उस उपरांत मैं इत्थे सुखराज सिंह जी, जो कई महीनों तो इत्थे प्रोटेस्ट कर रहे ने, जदों साडी सरकार आई है उस तो बाद मैं पहली बार इन्हां दे कोल आया हाँ। इस तो पहला बहुत सारे लोग सरकार दे नुमाइंदे इन्हां दे कोल आ चुके ने। जदों असी इलेक्शन लड़ रहे सी, कैंपेनिंग चल रही सी, उस दौरान मैं आया सी इन्हां दे कोल। मैं सांत्वना इन्हां नूं दे के गया सी कि साडी सरकार जदों आऊगी तां असी पूरी कार्रवाई करांगे। तो मैनूं पूरी उम्मीद है कि कार्रवाई होगी, और 7 साल लंघ गए ठीक है, लेकिन हुण टाइम है कि हुण टाइम लंघना नहीं चाहिए है, छेती तो छेती इंसाफ होना चाहिए है।